हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन की। और दोस्तों, मुझे पता है कि आपको ये वर्ड सुन के बहुत अजीब लग रहा होगा कि ये बहुत ही हार्ड टॉपिक है, बट ये बिल्कुल भी हार्ड टॉपिक नहीं है। ये बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन को प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ वेरिएबल्स बनाने होंगे। तो मैं बना लेता हूँ एज इक्वल टू 18, वार नेम इक्वल टू शुभम। मैंने दो वेरिएबल बना लिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं प्रिंट कराऊँ माय एज इज़ और फिर ये वेरिएबल, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? वेल, वो भी करना इजी है। हमने प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ किया, और जैसा कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था, अगर आपको कुछ भी प्रिंट करना है तो आप उसके लिए प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, जो कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। फिर मैंने डाला माई एज इज़, और फिर अगर मुझे इस वेरिएबल को यहाँ प्रिंट कराना है तो वो मैं कैसे कराऊँगा? वेल, इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका मैं आपको दिखाऊँगा, फिर मैं आपको स्ट्रिंग पोलेशन दिखाऊँगा। तो पहला तरीका ये है कि हम कॉमा का यूज़ करेंगे और फिर हम इज़ टाइप कर देंगे, और अगर हमें नेम भी इसके साथ प्रिंट कराना है तो वो भी बिल्कुल हम ऐसा ही करेंगे। हमने प्रिंट यूज़ किया, फिर मैंने डाल दिया माई नेम इज़, और फिर हमने कॉमा डाला, और फिर हमने अपना वेरिएबल का नेम डाल दिया बिल्कुल ऐसे ही, और फिर हमने इस प्रोग्राम को रन कराया। और आप देख रहे हो कि हमारा वेरिएबल के साथ साथ ये यहाँ पे प्रिंट हो गया है। तो ये बहुत ही सिंपल है दोस्तों। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इन दोनों लाइन की जगह पे केवल एक ही लाइन लिखूँ, वो लाइन ऐसा रहे माई नेम इज़ शुभम एंड माई एज इज़ 18। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? वेल, ये भी बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, और यही हमारा होता है स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। तो अब ज़रा ध्यान से देखना, हमने कर दिया टाइप प्रिंट फंक्शन को, फिर मैंने डाल दिया माय नेम इज़, और फिर हमने बैकवर्ड स्लैश यूज़ किया, और फिर ओपनिंग ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, और इसके अंदर हमने टाइप कर दिया अपना वेरिएबल नेम। तो वो हम कैसे करेंगे? वेल, वो भी बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना। हमने यहाँ पर नेम टाइप कर दिया, और फिर मैंने टाइप कर दिया अपना अगला स्ट्रिंग, तो माई and my age is and my age is this, और फिर मैंने is डाल दिया। और दोस्तों, बिल्कुल यही है हमारा string interpolation, ये part, ये backward slash, फिर opening bracket and closing bracket, और उसके बीच में variable name। तो इसी तरह से हम string के बीच में अपना variable print करा सकते हैं, और यही था हमारा string interpolation। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये बहुत simple होगा। तो चलिए हम इसको print करा के देखते हैं, और ये रहा। चलिए अब हम कुछ और वेरिएबल्स को ट्राई करते हैं। तो अब मैंने वेरिएबल बना लिया वा योर नेम इक्वल टू, मैंने यहाँ पे राहुल डाल दिया, वार योर एज, यहाँ पे मैंने 20 डाल दिया, और फिर हमें फिर से स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का यूज़ करके दोनों को दिखाना है। तो वो कैसे करेंगे? बिल्कुल सिंपल है, हमने यहाँ पे जो भी प्रिंट कराना है वो हम डाल दिए। तो ये रहा योर नेम इज़, फिर बैकवर्ड स्लैश, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, और उसके बीच में हमारा वेरिएबल नेम। तो हमारा वेरिएबल नेम क्या था? योर नेम, और फिर स्पेस दिया हमने, क्योंकि हम वहाँ पे स्पेस चाहते हैं इस जगह पे, और फिर हमने डाल दिया एंड योर एज इज़, और फिर हमने ब्रैकेट का यूज़ किया, और ब्रैकेट से पहले हमने ये बैकवर्ड स्लैश डाल दिया, और फिर ब्रैकेट का यूज़ किया, और उसके बीच में हमने डाल दिया योर एज। ये बहुत ही सिंपल था। फिर हमने रन किया प्रोग्राम को, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे योर नेम इज़ राहुल एंड योर एज इज़ 20। तो यही था हमारा स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। मैं यहाँ ऊपर कमेंट में डाल देता हूँ स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, ओके। और ये कैसे होता है? ये बिल्कुल ऐसे होता है। ये रहा हमारा स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। तो ये रहा दोस्तों दो तरीका। पहला तरीका कि आप कॉमा का यूज़ करो और उसके बाद आप वेरिएबल नेम दे दो, और दूसरा और बेटर तरीका हो गया हमारा स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का। तो इस तरह से आप स्ट्रिंग के साथ अपने वेरिएबल नेम को प्रिंट करा सकते हो। आप ये यूज़ करो या फिर आप ये यूज़ करो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो ये था हमारा वीडियो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करना ना भूलें, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।